ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरांध्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येना तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सागदेतं सागदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामीनिति नामने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलिकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरत्से नमः। श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम स्कंद छठवा अध्याय सात श्लोक संख्या 37 एवं 38। 37 में तात्पर्य नहीं है, 38 का हम 37 का पाठ करके 38 पर जाएंगे। तथापि न प्रतिब्रूयाम् गुरुभि प्रार्थितं कियत् भवतां प्रार्थितं सर्वं
प्राणेरर्थेश्च साधये। शब्दार्थ तथा अपि तो भी ना नहीं प्रतिब्रूयाम मैं स्वीकार कर सकता हूँ। गुरु भी अपने गुरु तुल्य व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थितम प्रार्थना कियत तुच्छ भवताम आप सबों की प्रार्थितम इच्छा सर्वम पूर्ण प्राणे ही अपने जीवन से अर्थे ही अपने धन से चा भी साधये मैं पूरा करूँगा। आप सभी मुझसे बड़े हैं अतः भले ही पुरोहिती का स्वीकार करना निंदनीय है मैं आप लोगों की छोटी से छोटी प्रार्थना को नकार नहीं सकता। मैं आपका पुरोहित बनना स्वीकार करता हूँ। मैं अपना जीवन तथा धन अर्पित करके आपकी प्रार्थना पूरी करूँगा। श्री वादरायण उवाच। इस श्लोक का हम पाठ करेंगे। तेभ्या एवं प्रतिश्रुत्या विश्वरूपो महातपः पौरहित्यं व्रतश्चक्रे परमेण समाधिना। शब्दार्थ श्री वादरायणी उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा तेभ्यः उन देवताओं को एवं इस प्रकार प्रतिश्रुत्य वचन देकर विश्वरूपः विश्वरूप महातपा महापुरुष पौरहित्या प्रोहिति कार्य व्रतः उनके द्वारा घिरा चक्रे करने लगे परमेण परम समाधिना मनोयोग से। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा हे राजन देवताओं को यह जीव वचन देकर चारों ओर से देवताओं से घिरे हुए महान विश्वरूप अत्यंत उत्साह एवं मनोयोग से आवश्यक पुरोहिती कर्म करने लगे। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन देवताओं को यह वचन देकर चारों ओर से देवताओं से घिरे हुए महान विश्वरूप अत्यंत उत्साह एवं मनोयोग से आवश्यक पुरोहिती कर्म करने लगे। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की समाधिना शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाधि का अर्थ है स्थिर मन से पूर्णतया तल्लीन होना। विश्वरूप अत्यंत विद्वान ब्राह्मण था। उसने न केवल देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की वरन उनकी प्रार्थना को गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया और अविचल चित्त से पुरोहिती कर्म करने लगा। तात्पर्य यह है कि उसने किसी आर्थिक लाभ की दृष्टि से नहीं वरन देवताओं को लाभ पहुंचाने के लिए पुरोहिताई स्वीकार की। यही पुरोहित का कर्तव्य है। अतः पुरोहित शब्द का तात्पर्य है कि परिवार या कुल का हित करने वाला। पुरह शब्द का दूसरा अर्थ परिवार और हित का अर्थ कल्याण है। पुरह शब्द का अर्थ है प्रथम। पुरोहित का प्रथम कर्तव्य है कि वह किसी प्रकार से अपने शिष्यों का आध्यात्मिक
तथा आर्थिक लाभ सोचे, तभी वह संतुष्ट रहता है। पुरोहित को कभी भी अपने स्वार्थ के लिए वैदिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। तेभ्या एवं प्रतिश्रुत्या विश्वरूपो महातपा पौरोहित्यकम् पौरोहित्यं व्रतश्चक्रे परमेण समाधिना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, देवताओं को यह वचन देकर देवताओं और देवताओं से घिरा हुआ महान विश्वरूप अत्यंत उत्साह एवं मनोयोग से आवश्यक पौरोहित्यकम् करने लगे। हरे कृष्ण। इस षष्ठम स्कंद को हम लोग निरंतर श्रवण कर रहे हैं। ये जो छठा स्कंद है, इसमें विशेषतः पोषण की व्याख्या की गई है। सुखदेव गोस्वामी ने जो श्रीमद् भागवतम बोली, उसमें मुख्यतः 10 विषय लिए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतयः। तो पहले के जो स्कंद है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इसमें सर्ग, विसर्ग, स्थान, पंचम स्कंद में हम लोगों ने भौगोलिक दशाओं का अध्ययन किया। अब इसके बाद षष्ठम स्कंद में पोषण की यहाँ पर व्याख्या की जा रही है। किस चीज़ का पोषण? भक्ति का। पहले की 3 अध्यायों में हमने देखा कि अजामिल कैसे एक वैदिक ब्राह्मण हुआ करता था। उसके जीवन काल में, पूर्व चरित्र में जैसे उसमें आता है कि उसने पूरे अपने जीवन काल में एक रत्ती भर भी त्रुटि नहीं की थी। केवल एक दृश्यावली के दर्शन मात्र से उसके मन में उद्वेग उत्पन्न हुआ और कैसे वो पतन को प्राप्त हुआ, पतन उपरांत कैसे यदृच्छया भगवत इच्छा, भगवत इच्छा से सबसे अवर, सबसे जो छोटा उनका बालक रहता है उसका नाम नारायण रखते हैं, और कैसे नारायण नाम के नाम अभ्यास, नाम आभास की महिमा यहाँ प्रदर्शित की जाती है कि केवल नाम आभास मात्र से अजामिल को मुक्ति प्राप्त हुई। वास्तव में नाम का फल ही यही है कि अगर नाम आभास तक लिया जाए तो केवल मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे कई भक्त रहते हैं किसी भी संप्रदाय में, वो कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है, भगवान ही है, भगवान से दीक्षा ले लो, भगवान के सामने जाओ, उनके चरण कमल में तुलसी धारण, तुलसी कंठी को छुवाओ और पहन लो, हो गई दीक्षा, गुरु से दीक्षा लेने की आवश्यकता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म सुख की प्राप्ति हो सकती है, ब्रह्मलीन हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण माधुर्य का आस्वादन नहीं कर सकते वो। अगर आपको चैतन्य महाप्रभु की लीला में या राधा कृष्ण युगल की उपासना में प्रवेश करना है तो आपको वैदिक गुरु दीक्षा की आवश्यकता अवश्य है, अन्यथा आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, अब हरिनाम की इतनी जरूर सामर्थ्य है कि वो आपको मुक्त कर देगा, जन्म मृत्यु के प्रपंच से आप नहीं रहेंगे, इस प्रपंच को फिर से नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन माधुर्य रस की प्राप्ति नहीं होगी, वैकुंठ में प्रवेश नहीं हो सकता आपका। तो ये चीज़ हम लोग पहले 3 अध्यायों में देख चुके हैं कि कैसे अजामिल ने अनायास ही अपने अनुज बालक का नाम लिया और कैसे वो मुक्त हुआ। बड़ी अद्भुत विलक्षण कृपा, पोषण, यहाँ पे पोषण की हम बात कर रहे थे। तो किस तरीके से भगवान, भले ही भक्त गिर जाए अपनी दशा से, लेकिन भगवान अंतरहित, अंतरात्मा, परमात्मा के रूप से नित्य अपने भक्त का चिंतन करते रहते हैं कि कैसे मैं उसका और उद्धार करूं। ऐसा नहीं है कि पोषण की व्याख्या केवल षष्ठम स्कंद में है। वास्तव में जो विषय दिए गए हैं, जो श्रीमद् भागवतम के अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतयः और आश्रय और निरोध मुक्ति, ये जो भागवतम के विषय हैं वो केवल, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही स्कंद में है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो कृष्ण तत्व की व्याख्या है वो केवल 10 स्कंद तक सीमित है। नहीं, आप देखिए प्रथम स्कंद में भी कृष्ण चरित्र आता है कि भगवान द्वारका गमन करते हैं,
कुंती महारानी के पास आते हैं, कुंती महारानी उनको स्तुतियाँ सुनाती हैं। द्वितीय स्कंद में भी यह विवरण आता है, तृतीय स्कंद में भी उद्धव कृष्ण लीला का चरित्र करते हैं, पूरे दो अध्यायों में पूरा कृष्ण चरित्र वर्णन है, चतुर्थ स्कंद में भी है, पंचम में भी है, कहाँ नहीं है। तो हर विषय हर जगह है, लेकिन जिस चीज़ की अधिकता होती है उसको उसका नाम दे दिया जाता है। तो इसीलिए क्योंकि षष्ठम स्कंद में पोषण की अत्यधिकता देखी जाती है, इसलिए यहाँ पर इस ग्रंथ इस स्कंद को षष्ठम स्कंद को पोषण बोला गया। फिर आगे की चरित्र में देखा गया कि कैसे नारद मुनि अपने विचरण करते रहते हैं और किस तरीके से प्रजापति दक्ष के 1000 हर्यश इत्यादि को कैसे मुक्त करते हैं, वो उनको कैसे निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त कराते हैं। वास्तव में जो देही है, देही यानी आत्मा जो इस शरीर में निवास कर रहा है, और देह यानी ये देह, तो जो देही है उसका मूल लक्ष्य तो यही है कि वो निवृत्ति परायण होकर भगवान उपासना करे। क्योंकि जो शास्त्रों में भी वर्ण व्यवस्था दी गई है वो इसी के आधार पर बनाई गई है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है वो तो केवल एक आश्रम में निहित है, मातृग्रस्त आश्रम में। बाकी जो तीन आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, संन्यास और इसके पहले वानप्रस्थ, तो इन तीन आश्रम में तो व्यक्ति को केवल घोर तप ही करना पड़ता है भगवत प्राप्ति के लिए। केवल यत् किंतिच जो किसी की प्रवृत्ति होती है तो उसके लिए ही व्यक्ति को ग्रस्त आश्रम में प्रशस्त कराया जाता है कि हाँ भाई आपकी प्रवृत्ति है तो ठीक है, आप ग्रस्त मार्ग का भी सुख भोग कर फिर से आप निवृत्त हो जाइए। पूरे भागवतम में यही सब जगह दर्शाया गया है कि किस तरीके से व्यक्ति निवृत्ति परायण होके भजन में लीन हो। फिर इसके बाद चरित्र आता है इस अध्याय में, जैसे हम देख रहे हैं सप्तम स्कंद में, षष्ठम स्कंद में सातवां अध्याय, कि किस तरीके से जो इंद्रदेव रहते हैं और कैसे वो धन से उन्मत्त हो जाते हैं, धन के मद में चूर्ण हो जाते हैं और उसके कारण वो अपने गुरु के प्रति अपराध कर बैठते हैं। वास्तव में धनाढ्य जो व्यक्ति होता है वो धन दुर्मदांधा हो जाता है, धन का कारण ही ऐसा है। वास्तव में अगर ऐसे स्वर्ग की स्थिति देखा जाए तो जो इंद्र हैं वो शुद्ध सतोगुण में स्थित रहते हैं, यत् किंचित कभी उनको रजोगुण और तमोगुण का स्पर्श करता है, अन्यथा तो उनको सतोगुण में ही वो लोग देवता जितने भी रहते हैं, गंधर्व देव इत्यादि, उससे ऊपर जितने भी हैं पारमेष्ठी तक, सबके सब सतोगुण में ही स्थित रहते हैं। फिर भी उनको भी कभी कभी क्षोभ की प्राप्ति हो जाती है, उनको भी दम इत्यादि आ जाता है, उनके अंदर भी मद का भान हो जाता है। अब देखिए इंद्र को ही इस अध्याय में हम पहले ही देख चुके हैं कि किस तरीके से जिन गुरु की कृपा से, बृहस्पति की कृपा से उनको इतना उच्च आसन प्राप्त हुआ, उन्हीं के चरण कमलों में अपराध कर बैठे। बृहस्पति जी आते हैं और उनको सम्मान भी नहीं देते, खड़े तो होना की दूर की बात है, मुंह से भी ये नहीं बोलते कि स्वागतम हो, कि आपका स्वागत है, एक इतना भी शब्द नहीं कहते। तो इस तरीके से बृहस्पति जी समझ जाते हैं कि बच्चा जी अभी थोड़ा धन के मद में है, इनको टाइट करना आवश्यक है, तो वहाँ से वो अंतर्धान हो जाते हैं। अंतर्धान होके अपने ग्रह में आते हैं, किस तरीके से इंद्र उनको मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ से वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अंतोगत्वा असुरों को ये बात पता चलती है कि देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी वो रुष्ट हो गए हैं, और उसके बाद जैसा होता है जब देवता कमजोर होते हैं असुर उनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, और असुर देवता रोते गाते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी वहाँ पर सुंदर सुंदर बातें बताते हैं उनके कि देखो गुरु, गाय और परमात्मा यानी भगवान स्वयं, इनके प्रति कभी भी अपराध नहीं होना चाहिए। अगर इनके प्रति कभी भी अपराध बनता है तो भले आप कितनी भी ऊंची स्थिति पर हो,
आपको वहाँ से च्युत होना ही पड़ेगा। इसके बाद सारे देवताओं को विवेक आता है, उनसे वो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, अब एक काम करो, गुरु तो होना आवश्यक है, आप एक काम करिए, विश्व रूप का वरण करिए। विश्व रूप देवता हैं, यद्यपि उनकी जो माता रहती हैं वो असुर कुल की रहती हैं, लेकिन पुत्र चूंकि जो उनके पिता हैं वो देवता कुल से होने के कारण वो देवता कहलाए। जब विश्व रूप जी को पास सारे देवता जाते हैं और उनको निवेदन करते हैं कि हे तात, आप हमारा पौहृत कर्म स्वीकार करिए। विश्व रूप आगे के आप पिछले जो जितने भी चार पांच श्लोक में हैं उनमें देख आए हैं कि कैसे विश्व रूप बताते हैं कि पौहृत कर्म कैसे गर्हित है, कैसे निंदनीय है। जैसे देखा जाए पौहृत कर्म है क्या, कि कोई व्यक्ति आया, कोई यजमान आया, कि जैसे अभी नवदुर्गा का अनुष्ठान चल रहा है और बोलेगा कि भाई हमें नवदुर्गा की पूजा करनी है, आप हमारे यजमान, आप हमारे पुरोहित बन जाइए, हम आपके यजमान हो गए, आप हमारे लिए पूजा करा दीजिए। तो वो कहेगा ठीक है। तो अब इसके बाद जो दक्षिणा मिलती है उसका वो अपने जीवन काल में भोग करता है। शास्त्रों में ऐसे वचन आते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण कुदान का धन लेता है, कुदान का धन लेता है, तो उसका जो वंश है वो 7 वंश तक चलता है केवल, उसके बाद वो पीढ़ी समाप्त हो जाती है। अगर कोई राजा का काम होता है कि अपने समाज का उद्धार करे, जो भी नियम कानून है उसकी व्यवस्था को देखे, अगर वो खुद ही नियम कानून व्यवस्था को बिगाड़ता है तो उसका वंश भी ज़्यादा नहीं चलता। धर्मशास्त्र में युक्तियाँ आती हैं। तो इस तरीके से पुरोहित कर्म कैसे गर्हित है विश्वरूप दर्शाते हैं। फिर इसके बाद वो देखते भी हैं कि भाई ये देवता हैं, हमारे ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, तो इनकी बात टाली भी नहीं जा सकती, करना भी आवश्यक है। तो कई बार आचार्यों की जीवनी में भी ऐसा देखा जाता है कि जो चीज़ नहीं करना चाहिए फिर भी उस निंदित कर्म को जन कल्याण के लिए वो स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं विश्वामित्र जी ने भी, गुरु वशिष्ठ भी जानते हैं कि पौरोहित्य कर्म निंदनीय है, लेकिन चूंकि भगवान राम और उनके जो पिता दशरथ हैं उनकी पुरोहिताए के लिए वो स्वीकार करते हैं कि भाई मैं भगवत सेवा के लिए कर्म स्वीकार कर रहा हूँ, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए नहीं, अपनी विषय वासना की पूर्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ, अपितु भगवत चरणारविंद श्री राम, उनके पिता श्री दशरथ जी, उनकी सेवार्थ मैं यह सेवा स्वीकार कर रहा हूँ। तो इस तरीके से विश्वरूप जी भी शास्त्रिक प्रमाण को देखते हुए अब पौहृत धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। तो इस श्लोक में यही बताया गया है, तथापि ना प्रतिब्रूयाम गुरु भी प्रार्थितम कियत भवताम प्रार्थितम सर्वा प्राणे अर्थेश्च साधे। अब मैं प्राणे ही अपना पूरा प्राण, क्योंकि व्यक्ति का प्राण अगर निकल जाए तो फिर शरीर में कोई शक्ति नहीं बचती, वही उसकी शक्ति होती है। तो प्राणे अर्थेश्च साधे, कि अब मैं आपको पूरी तरीके से समर्थन प्रदान करूँगा, मैं आपको पुरोहित धर्म कराऊँगा। और फिर आगे कह रहे हैं देभ्या शब्द देवों देवताओं के लिए आए हैं, कि देवताओं के लिए एवं प्रतिश्रुत्य, इस प्रकार से प्रतिश्रुत होकर, प्रतिज्ञाबद्ध होकर विश्वरूपो महातपा। यहाँ पर विश्वरूप जी के लिए महातपा विशेषण लगाया गया है, बड़ा विलक्षण विशेषण है। अगर किसी ब्राह्मण में या किसी वैष्णव में तप की शक्ति नहीं है, तप यानी जप इत्यादि जो है उनका जो भजन मार्ग है उसकी शक्ति नहीं है, तो उस व्यक्ति में कोई शक्ति होती नहीं है, वो व्यक्ति खोखला है। जैसे व्यक्ति कोई निराहारी रहे, कोई अन्न इत्यादि ग्रहण ना करे, तो कैसे वो जर्जर काय हो जाता है, उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार अगर किसी आध्यात्मिक व्यक्ति में तप का बल, जप का बल, भक्ति साधनों का बल,
नहीं रहता तो वह व्यक्ति एक प्रकार से भक्ति मार्ग में खोखला ही है। तो इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महातपः शब्द विशेषतः विशेषण उपयोग कर रहे हैं कि विश्वरूप महातपः, क्योंकि अगर ब्राह्मणों के पास तप की शक्ति रही है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे टीका में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं समाधिना शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि योग अष्टांग योग में जो समाधि के प्रकार बताए जाते हैं योग शास्त्र में, तो बोलते हैं यम नियम आसन ध्यान धारणा समाधि प्रत्याहार प्राणायाम इत्यादि। तो ये जो आठ आयाम हैं, जो ऐसा नहीं है कि ये केवल योग साधना में ही व्यक्ति को प्रवृत्त होने के लिए काम करने पड़ते हैं। श्रीमद् भागवतम में एकादश स्कंद में 19वें अध्याय में इनकी विशेष चर्चा आती है पूरी योगावली की, किस तरीके से साधक को भी, जो भक्ति मार्ग का साधक है, ऐसा नहीं कि केवल ये योगियों के लिए बात कही जाती है, किस तरीके से उसको भी यम की आवश्यकता है। यम अर्थात, यम यानी होता है निषेध, निषेध क्या नहीं करना है, फिर बताया जाता है क्या करना है, विधि और निषेध दोनों ही बताया जाता है। जैसे कि रूप गोस्वामी पाद ने जो ग्रंथ लिखा उपदेशामृत, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि गुरु की क्या योग्यता होना चाहिए, है ना, कि वाचो वेगम वनसा क्रोध वेगम, तो ये सब इत्यादि उन्होंने पहले कह दिया कि भाई जितने भी षड वेग होते हैं उनका पहले आप पूरा पूरा सहन करने की अगर आप में क्षमता आ जाती है तो आप गुरु बन सकते हो, उन्होंने पहले बता दिया, ठीक है भाई। फिर उन्होंने दूसरे ही श्लोक में सीधा निषेध वाली वाक्य बोले कि अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह, है ना, जनसंगस्य लौल्यम च षड्भि भक्ति विनश्यति। तो यम ये है, यम कि क्या नहीं करना है। अगर आप प्रजल्प करेंगे, आप अत्याहार करेंगे किसी भी विषय का, पंच इंद्रियों में से किसी भी विषय का अत्याहार करेंगे, किसी भी विषय का ज़्यादा भोग करेंगे, तो आप भक्ति नहीं कर सकते। कोई ज़्यादा खा ले, ज़्यादा भ्रमण करता रहे, है ना, ज़्यादा श्रवण करता रहे उलझलुल, तो भी वह भक्ति में, भक्ति मार्ग को इतना प्रशस्त नहीं कर सकता, वो टलमल ही रहेगी उसकी भक्ति। तो इसलिए पहले यम बताया जाता है भक्ति में भी। और यम में क्या आता है, जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, यम क्या है, अहिंसा सत्यम अस्तेयम। अहिंसा, हिंसा ना करना, यहाँ पर ज़्यादातर आ शब्द का प्रयोग किया है, आ शब्द निषेधात्मक होता है नए समाज के माध्यम से, तो आ हिंसा, हिंसा नहीं करना है। जो भी साधक है किसी भी मार्ग का हो, हिंसा ना करे, सत्य आचरण करे, आ अस्तेयम चोरी चमारी ना करे, असंग असत्संग ना करे, असंचय संचय ना करे, ये सब ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण यानी कि जो भी वेद मार्गी हैं, जो व्यक्ति भगवत मार्गी हैं, उनको ये आचरण करना आवश्यक है ही। आस्तिक्यम, आस्तिक्यम क्या है, वेद वाचा विश्वासम, ये बड़ा ही गूढ़ शब्द है आस्तिक्यम। वैसे सब लोग बोलते हैं कि हम आस्तिक हैं, सब आस्तिक हैं, आस्तिक हैं, लेकिन कितनी मात्रा में हमें वेद पर श्रद्धा है, कितनी मात्रा पे हमें जो आचार्य के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं उन पर श्रद्धा है। क्योंकि हम करते क्या है कि जो हमें रुचिकर लगता है उसको तो हम ग्रहण कर लेते हैं, और जो हमें लगता है कि ये हमारे अनुकूल नहीं है उसको हम त्याग कर देते हैं। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होता। अगर आपको शास्त्र अपनाना है तो पूरा पूरा अपनाना पड़ेगा। अगर शास्त्र बोल रहे हैं कि जो देसी गाय है उसका जो गोबर है वो शुद्ध है तो शुद्ध है, और बाकी जितना है वो अशुद्ध है तो है। वेद अगर बोल रहे हैं कि हड्डी अशुद्ध है तो है, लेकिन शंख शुद्ध है तो है, वो अर्चन प्रदीप इत्यादि में सारा उपयोग होता है। तो यहां पे है जो आस्तिक्यम, यानी वेद वाच विश्वासम, वेद वाक विश्वासम, वेद वाणी पर पूरा पूरा हमें अटूट विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये जो वेद में वाक्य लिखा है ये पूरा हमारे लिए है और इसको हमें पूरा पूरा अनुशीलन किया है, करना है। ब्रह्मचर्यम मौनम स्थैर्यम क्षमा अभयम। तो यहां पे देखेंगे कि जैसे यम में सारा आ लगा है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। यम नियम, नियम क्या होता है, क्या करना क्या करना क्या करना, शौचम
जप तप होम श्रद्धा आतिथ्यम आर्जवम तीर्थटनम परार्थम तुष्ट्यार्चनम सेवनम इत्यादि, ये सब नियम ये एकादश स्कंद में 19वें अध्याय में दिए गए हैं, क्या यम है क्या नियम है। फिर इसके बाद यही कि यही पूरे के पूरे वाक्य भगवद्गीता में भी आता है कि जो एक ब्राह्मण होता है, जैसे यहाँ पे विश्वरूप एक ब्राह्मण है, उच्च कोटि के ब्राह्मण है, तो उनके अंदर जो महातपा विशेषण उपयोग किया गया वो इसलिए किया गया क्योंकि उनके अंदर वो है, तो तप के साथ में और क्या क्या होना चाहिए बता रहे हैं। समदम तपा शोचम क्षांतिरार्जमेव ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, भगवद्गीता में लिखा गया है। शमा, शम क्या होता है, सम होता है अंतर इंद्रिय निग्रह, सम और दम ये लगभग एक ही जैसे लिखते हैं। दम होता है बाह्य इंद्रिय का दमन करना। श्रीमद् भागवतम में सम की व्याख्या आती है मत निष्ठात अबुद्धे, मतलब कि बुद्धि के द्वारा मुझ में निष्ठ हो जाना, ये भगवान बोल रहे हैं। चूंकि एकादश स्कंद में ज्यादातर भगवान ने उद्धव को उपदेश दिए हैं, तो उसमें जैसे भगवद्गीता और एकादश स्कंद लगभग एक जैसा जाता है क्योंकि दोनों ही भगवान के द्वारा बोले गए कथन है, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं सम अंतर इंद्रिय निग्रह, कि हमारे बुद्धि है जो मन है, मन बुद्धि अहंकार तीनों रूप से, इनका जो वेग है इनका निग्रह करना। इसके बाद बोला दम बहर इंद्रिय, कि हमारे जो पांच बहर इंद्रिय हैं कि हम देखते हैं इसके द्वारा ग्रहण करते हैं, और हाथ पैर इत्यादि से जो कर्म करते हैं वो पंच बहर इंद्रियां हैं, इनको भी दमन करना। तपह शरीर निग्रह, शरीर के जो वेग है जो उपदेशामृत में इत्यादि में बताए गए हैं वो तप के माध्यम से निग्रहण करना। शांतिर सहनशीलता, क्योंकि अगर हम भक्ति मार्ग में आए हुए हैं और किसी ने हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे बोल दिया तो हमारे जीवन में उसको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा भजन में विक्षेप आ जाएगा, है ना। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति अगर भजन कर रहा है तो ऑलरेडी उसके पास भजन ना करने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला होता है कारण लय, जैसे कोई व्यक्ति भागवत सुनता है, भगवत गीता सुनता है, जप करता है, तुरंत उसको लय की प्राप्ति हो जाती, सो जाता है। दूसरा होता है विक्षेप। विक्षेप क्या है कि भाई भजन करने बैठे, माला करने बैठे और मोबाइल बज गया, कोई व्यक्ति आ गया कि भाई आपको ये लोग बुला रहे हैं, घर पे बैठे हुए बच्चे रोने लगे, कोई ज़रूरी काम आ गया, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि यहाँ आ जाइए, किसी का हाथ पैर टूट गया, तो ये सारे विक्षेप होते हैं, ये भजन में बाधा देने वाली वस्तुएं हैं। तो लय विक्षेप इत्यादि जितने भी हैं वो प्राप्त होते रहते हैं। अभिनिवेश, भजन करने के लिए पूरे बैठे हैं, पूर्ण स्वस्थ हैं, कोई मन में विकार नहीं है, ये है, लेकिन पूर्व जन्म में किए हुए गए कर्म के कारण कोई हमारा ऐसा कर्म बन गया था कि जो अभी हमें स्मरण आ रहा है, फिर से भगवान में स्मरण नहीं है। तो इस तरीके से लय विक्षेप अभिनिवेश इन सब की प्राप्ति होती रहती है। कषाय, कषाय क्या है कि भाई पूरा पूर्ण स्वस्थ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जब कर रहे हैं मन नहीं लग रहा है, पूर्व अभ्यास नहीं है, तो इसको ये सब सारी चीजें होती हैं। जैसे कषाय इत्यादि है कि व्यक्ति हमने किसी के चरण में अपराध कर दिया, हो सकता है वैष्णव के, क्या हो सकता है अशुद्ध अन्न भक्षण कर लिया हो, कभी कभी अशुद्ध अन्न भक्षण के माध्यम से भी मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति को तप इत्यादि करके अपने आप को शुद्ध कर लेना चाहिए और महातपाह बनना चाहिए, कहने का तात्पर्य है। आर्जवम ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम, तो यहां पर भी आस्तिकता की बात की है। यही कि यही बात श्री नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को कहे हैं सप्तम स्कंद में आगे जाके, वहां पर भी पहली जो लाइन है समोदमा सपा सोचम छांतिम आर्जवम, ये पूरी की पूरी एक जैसी है। आगे के जो वाक्य हैं उसमें थोड़ा सा उन्हें बदलाव कर दिया है, बोल रहे हैं ज्ञानम दया अच्युता अमात्म सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। तो बोल रहे हैं
वहाँ पे आस्तिक क्यों दिया? आस्तिकता वास्तव में वेद के लिए आस्तिकता बताई गई है, और वेद अर्थात भगवान, है ना, कि भगवान ही वेद हैं। तो यहाँ पे जो, और यहाँ पे सीधा शब्द दे दिया गया श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में कि अच्युत आत्मत्वम, कि अच्युत को ही आप सब कुछ अर्पण कर दें, ऐसा शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से व्यक्ति सम दम इत्यादि का पालन करते हुए यम नियम आसन, अब कोई जैसे कोई व्यक्ति है भक्ति मार्ग का पथिक है और वो कहे कि हमें आसन की क्या आवश्यकता है, नहीं बिल्कुल आवश्यकता है, क्यों नहीं आवश्यकता है? अगर आप एक जगह नहीं बैठ सकते तो आपका मन कैसे केंद्रित होगा भगवान पर? फिर आगे जैसे आता है प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार करना ही पड़ेगा। अगर आप बैठे हुए हैं और आपका मन कहीं दौड़ गया तो आपको लौटाना पड़ेगा कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि मन अगर विषयों में चला गया तो उसको जाने दिया जाए, उसका प्रत्याहार करना पड़ेगा। किसी भी विषय में अगर मन चला गया, तदुपरांत आता है धारणा ध्यान समाधि। यह हम इतनी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि समाधि जो शब्द है उसको समझ सकें। जब व्यक्ति इन सारे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के सोपानों को पार करता है तब वो कहीं श्री भगवत स्वरूप होता है, उसका निरंतर चिंतन कर सकता है। सबसे पहले तो आता है धारणा। धारणा शब्द को समझने का सीधा सीधा तरीका है, इसका एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि जैसे कोई एक घोड़ा है, अभी वो दौड़ रहा था, उसको पकड़ के हमने खूंटा गाड़ दिया, खूंटे से बांध दिया, अब वो नहीं जा सकता। तो इसी को बोलते हैं धारणा, कि हमारे सामने श्री राधा श्याम सुंदर का या कृष्ण बलराम का स्वरूप उपस्थित है, अब हम केवल इसी स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, केवल उसी को देख रहे हैं, तो ये हो गई धारणा। खूंटा गड़ा हुआ है, घोड़ा दौड़ना चाह रहा है लेकिन उसके पास कुछ विकल्प ही नहीं है कि वो और कुछ कर सके, तो ये हो गई धारणा। इससे भी थोड़ी ऊंची स्थिति होती है, उसको बोलते हैं ध्यान। ध्यान क्या है कि आप श्याम सुंदर के सामने खड़े हुए हैं, राधा श्याम सुंदर के सामने, एक एक अंगों का ध्यान कर रहे हैं कि अच्छा आज चरणों में ये नूपुर पहना हुआ है, ऐसा माला धारण की हुई है, ऐसी उत्तरी धारण की हुई है, ऐसी उष्णीस धारण की हुई है, ऐसा मोरपंख है, ऐसा राधा रानी का श्रृंगार है, ऐसी नथनी है। तो ये जो एक एक अंग प्रत्यंग का जो ध्यान है इसको बोलते हैं ध्यान। ध्यान का अर्थ को उदाहरण को हम समझ सकते हैं कि जो हमने घोड़ा बांधा हुआ था उसका खूंटा खोल दिया लेकिन फिर भी घोड़ा वहीं के वहीं उपस्थित है, अब वो दौड़ नहीं रहा है, एक ही जगह है, खूंटा खोल दिया, जबरदस्ती नहीं की जा रही है उसके साथ लेकिन फिर भी एक ही स्थान पर है, इसको बोलेंगे ध्यान। और फिर इसके बाद आता है समाधि। समाधि क्या है कि घोड़े में ओतक लगाया जा रहा है, जो संटी होती है चाबुक वो उसको मारा जा रहा है फिर भी घोड़ा नहीं दौड़ रहा है। आप श्याम सुंदर के सामने उपस्थित हैं, कोई व्यक्ति आपको धक्का मार रहा है लेकिन फिर भी आपका एक एक अंगों में अभिनिवेश है और उस अंगों के माध्यम से लीला में भी अभिनिवेश है, तो इसको कहा जाएगा समाधि, कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कोई मुझे धक्का दे रहा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देख आए हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे और एक वृद्धा आती है और उनके ही ऊपर चढ़ जाती है, यद्यपि चैतन्य महाप्रभु का नियम था कि अगर मैं स्त्री स्पर्श कर लिया तो मैं प्राण त्याग कर दूंगा, लेकिन वहां पर उन्होंने उस वृद्धा की जो भगवत दर्शन की जो लालसा है उसकी उन्होंने प्रशंसा की कि वाह, ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए अपने प्रभु के दर्शन के लिए कि उसको भान ही नहीं है कि मैं किसी एक सन्यासी के ऊपर खड़ी होकर मैं अपने प्रभु का दर्शन कर रही हूं। तो जब इस कोटि की हमारे अंदर समाधि में स्थिति आती है तब व्यक्ति का भजन है जो
जो वो चाहता है प्रयोजन पदार्थ, कि हम नित्य रूप से श्री कृष्ण बलराम या श्याम सुंदर की लीला में प्रविष्ट हों, तब वो उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके पहले इन सभी सोपानों को उसको पार करना ही पड़ेगा, अन्यथा वो इस समाधि की स्थिति में आ नहीं सकता। आजकल क्या हो रहा है, अमुक अमुक संप्रदाय ध्यान केंद्र खोले जा रहे हैं, योग केंद्र के खोले जा रहे हैं, कि सीधा आसन सिखाए जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले यम नियम ये सिखाना अति आवश्यक है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये यम और नियम को बड़े अच्छे तरीके से, सरल तरीके से सिखा दिया गया। वैसे अगर किसी से पूछा जाए भैया यम की क्या परिभाषा है, नियम की क्या परिभाषा, हो सकता है कोई ना बता पाए, लेकिन हर एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का साधक इस यम नियम को अपने जीवन में अपनाए हुए है, चार नियम के माध्यम से। आप देख लीजिए, वो शौचाचार का पालन कर रहा है, वह केवल भगवत प्रसाद का ही आस्वादन करता है, और कोई अन्यत्र वस्तुओं का भले कितनी सुस्वादु हो उसका कभी भक्षण नहीं करता। वो हर एक साधक के उसका नियम रहता है कि मैं केवल भगवत अर्पित वस्तु का ही सेवन करूंगा, अन्य नहीं। भले कई भक्तों को देखा है कहीं वो प्रचार कार्य में जाते हैं, कई कई दिन तक केवल अन्न भीगे हुए खाते रहते हैं, केवल फलहार पर रहते हैं, कहीं विदेश गमन किया उन्होंने तो हो सकता है कि वहाँ पर उनको उपयुक्त भोजन ना मिले, तो कभी कभी केवल फलों के आधार पर वो जीवित रहते हैं। जब प्रभुपाद जी भी विदेश यात्रा करने का सोच रहे थे तो उनसे बोलते थे स्वामी जी वहाँ क्या खाओगे, वहाँ कुछ नहीं मिलता, तो स्वामी जी ने कहा कि भाई आलू तो मिल जाएगा, ब्रेड मिल जाएगा ना, मैं इससे ही अपना जीवन निकाल लूँगा। तो ये जो जितना आचार्यों के द्वारा, श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो हमें सिद्धांत दिए गए यम नियम नासन, ये हमें चार नियम के आधार पर दिए गए हैं। नो मीट ईटिंग, आप मांसाहार इत्यादि ना करें, और बाकी जो चार नियम है इसके, अगर इसको व्यक्ति पालन करता है फिर बताया क्या करें। अगर आप देखें श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो दिया गया नियम है वो पूरा का पूरा रूप गोस्वामी के जो श्री भक्ति रसामृत सिंधु में जो 64 भक्ति के अंग दिए गए हैं, पूरे के पूरे अंग अगर व्यक्ति कोई सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक अगर मंदिर प्रांगण में उपस्थित रहता है, उसके सारे के सारे अंग उपस्थित हो जाएंगे। अगर वो केवल वहाँ उपस्थित रहे मंगल प्रांगण में किसी भी तरीके से, उसके सारे अंग हो जाएंगे। अब तुलसी महारानी की आरती हो रही है, परिक्रमा भी कर रहा है, तुलसी जलदान भी दे रहा है, भगवान के सामने दंडवत भी कर रहा है, सारे अंग हो जाएंगे। तो ये जो आचार्य होते हैं वो देते सारी चीज़ हैं कैप्सूल के फॉर्म में। जैसे कोई अच्छा आयुर्वेदिक वैद्य होता है, वो हर एक वस्तु जो उस रोगी के लिए आवश्यक है उस औषधि के रूप में या उस रसायन के रूप में अवश्य ही देता है। हो सकता है उस रोगी को पता हो कि नहीं कि इसका केमिकल फॉर्मुलेशन क्या है, लेकिन जो वैद्य है वो जानता है कि भाई आज का जो प्राणी है, कलयुगी प्राणी है, उसको क्या आवश्यक है। कई संप्रदाय हैं, आप जाके देख लीजिए वृंदावन में अनेक अनेक हैं। केवल प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसा नियम बनाया गया कि आप इतनी संख्या में माला करिए, क्योंकि अगर आप 16 माला नहीं करेंगे तो इतनी स्थिति नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जो नियम बनाए जाते हैं आचार्यों के द्वारा वो साधकों की स्थिति देखते हुए कि ये व्यक्ति कितना कर पाएगा वो देख के बनाए जाते हैं। फिर आगे श्रील प्रभुपाद के द्वारा पुरोहित शब्द की बड़ी अच्छी व्याख्या की गई। पुरोहित धर्म है क्या, तो उन्होंने पहले पुर शब्द को लिया। पुर शब्द के अमरकोश इत्यादि में अनेक व्याख्यान उत्पन्न होते हैं। पुर का शब्द एक का नगर भी होता है। पुर का शब्द का जो अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद ने दिया है कि परिवार अर्थात कुल, इसे खोते हैं कुल पुरोहित। तो वैसे कुल पुरोहित बोलने की आवश्यकता नहीं है, अगर पुरोहित शब्द बोल दिया तो कुल उसमें अपने आप ही निहित है, क्योंकि पुर शब्द का अर्थ है परिवार, परिवार अर्थात कुल। जैसे जो विश्वामित्र जी थे, वशिष्ठ जी, तो वशिष्ठ जी जो थे वो अपने आप ही भगवान रामचंद्र जी की सेवा में नियोजित थे, तो अपने आप ही वहाँ प्रदर्शित हो जाता है कि ये इनके कुल गुरु हैं या पुरोहित हैं। तो इसी तरीके से
यहाँ पे पुरोहित शब्द की व्याख्या में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि पुरोहित का अर्थ है, पुर का अर्थ है प्रथम भी, और पुर का अर्थ है कुल या जो परिवार है उसका हित करने वाला, मतलब जो ब्राह्मण उस परिवार का प्रथम हित सोचे और अपना हित बाद में सोचे वो व्यक्ति पुरोहित कहलाने योग्य है। तो आजकल वैसे अगर देखा जाए, वैसे पुरोहित धर्म का नियम होता था पहले कि दक्षिणा की बात नहीं की जाती कि कितना आप दक्षिणा देंगे हमें, यजमान जो है प्रसन्नतापूर्वक जो दे देता है उसको स्वीकार कर लेता है। जैसे कल हमने देखा था, कल वाला जो बड़ा ही उत्तम कोटि का श्लोक था उसमें बताया था कि कैसे अकिंचन होके जब ब्राह्मण शिलौंच व्यक्ति से कार्य करता है, कल प्रभु जी बड़ी सुंदर व्याख्या करके आए थे सिल और औंच की, कि सिल अर्थात जो किसानों ने खेत काटा और उसके बाद जो थोड़े बहुत धान के बीज गिर गए उसी में खेत में, उनको वो ब्राह्मण बीन के लाता है और अपनी आजीविका वहन करता है, वो कहता है सिल। औंच उंचन वित्ती, यानी कि अगर कहीं बाजार में अनाज गया और बाजार में पूरी हाट इत्यादि समाप्त होने के बाद वहाँ पर थोड़े बहुत जो अनाज गिरे रहते हैं उनका चयन करके अपना उदर भूर्ति करे उसको कहते हैं उंचन वृत्ति। अगर इस वृत्ति से रहकर अगर कोई ब्राह्मण अपना जीवन यापन करता है तब तो उसके जीवन में शुद्धता रहेगी, लेकिन अगर वो कुदान का पैसा खाता है, कुदान अर्थात कोई भोगी है, कोई मीट इंडस्ट्रियलिस्ट है कि भाई मीट इंडस्ट्री चला रहे हैं, कोई नशाखोरी का व्यापार कर रहे हैं, कोई मद या तंबाकू इत्यादि का व्यापार कर रहे हैं, अगर ऐसे लोगों का धन अगर कोई व्यक्ति खाएगा तो उसकी जो बुद्धि रहेगी निश्चित ही असुचि हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति अगर पुरोहित धर्म करता है और कुदान का खाता है तो निश्चित ही उसका जो ब्राह्मणत्व है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए आचार्यों ने व्यवस्था की है कि केवल आप भगवत प्रसाद का ही आस्वादन करें, लेकिन भगवत प्रसाद में ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार का दान ले आए और उसको श्री जी को भोग लगाया जाए, ठाकुर को भोग लगाया जाए, नहीं ऐसा नहीं। जो श्री विग्रह है वो किसी भी कोटि के पाप को भक्षण कर सकते हैं, लेकिन जो साधु है, जो साधक है, वो हर किसी को नहीं पचा पाएगा, उसके भजन में बिच्छे पा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे पुरोहित धर्म के पहले जो महातपा शब्द श्री विश्वरूप के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया वो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अगर व्यक्ति अगर पुरोहित धर्म में जाता है तो बिल्कुल जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ब्राह्मण है तो कुछ ना कुछ तो उसको यज्ञ याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह ये इत्यादि तो उसको करने ही पड़ेंगे, अर्थात वो अपनी अथवा अपनी अगर ब्राह्मण वो ग्रस्त है तो अपनी आजीविका कैसे वहन करेगा। तो उसकी आजीविका वहन करने के लिए उसको ये कार्य करना आवश्यक है, लेकिन किस वृत्ति से करे ये उसको भागवत प्रमाण करके या भगवद गीता उसको सिखा रही है। इससे अगर वो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो उसका जो ब्राह्मणत्व तो है या फिर कोई अगर भक्ति मार्ग का पथिक है तो उसका जो भक्ति का मार्ग है वो इतनी सुदृढ़ता से प्रशस्त नहीं हो पाएगा, उसमें कहीं ना कहीं बिच्छे पाएंगे। जैसे कई बार लोग हमारी संस्था में भी बोलते रहते हैं कि महाराज इतना समय हो गया है सन्यासी से पहुँचा जाता है या फिर जो उच्च कोटि के वैष्णव हैं उनसे पूछा जाता है कि हमें 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, लेकिन अभी भी भजन में कोई रुचि उत्पन्न नहीं हुई। कभी ऐसा भाव नहीं आया कि जैसा बोला गया है श्री चैतन्य महाप्रभु की नैनम अश्रुगलक धारया, कि भाई एक बार नाम लेने से अश्रुपूर्वक नेत्र हो जाते हैं और व्यक्ति उन्माद होकर नृत्य करने लगता है, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से गायन करने लगता है। बोले हमें तो इतना समय हो गया भाई, हमारे अंदर ऐसी स्फूर्णा तो कभी हो नहीं रही है, कब ऐसा होगा। तो बताया है कि हाँ, आप इन नियमावली जो आचार्यों ने दिए हैं उनका अगर यथावत पालन करेंगे तब हमारे अंदर ये चीज़ें आसानी से आ जाएगी, अन्यथा नहीं आएगी। फिर कह रहे हैं आखिरी में, पुरोहित जो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए वैदिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। पुरोहित का अर्थ ही है पराहित, कि जो प्रथम जो दूसरे का हित करे बाद में अपने हित का अनुचिंतन करे वो व्यक्ति कहलाएगा पुरोहित। तो वैष्णवों में ही ये इस लक्षण घटित होता है और किसी में नहीं, क्योंकि बोला गया है जैसे वैष्णवों के लिए पर दुख दुखी,
केवल जो वैष्णव होते हैं वही पर दुख दुखी होते हैं, तभी तो वो अपने आप को इतना विस्तार करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ के कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं भटकते हुए, है ना। कितने सारे मलेच्छ देश हैं वहाँ पे भी जाके भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके हृदय में करुणा उद्भूत हुई होगी कि हाँ इन जीवों का भी उद्धार होना चाहिए, तो इसलिए अभी कर रहे हैं। अभी जैसे देखने में आ रहा है कि जितने भी मलेच्छ देश हैं उन सभी जगह भगवत वाणी का अभूतपूर्व रूप से प्रचार हो रहा है, तो ये आचार्यों की ही कृपा है प्रभुपाद जैसे कि उन्होंने ऐसी वाणी लिखी। चैतन्य चरणामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा, तो उसकी वाणी को आज आचार्य सिद्ध कर रहे हैं, और आज के जो संत हैं हमारे साधु हैं वो इसको सिद्ध कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न हो या आलोचना हो तो कृपया बताइए। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, गौर प्रेमानंदे।